Hello everyone, this is Rohit Mishra. This is the second lecture of data warehouse and data mining of unit 1. Today we are going to discuss about some important topic related to data warehouse and data mining. In today's lecture we are going to study some important technique related to data warehouse and data mining. What is the meaning of enterprise data warehouse? What is the decision support system and what is data mine? Then we move to data warehouse architecture, which is called as three-tier architecture, having three tier like bottom tier, middle tier and top tier. And finally, we move to the topic mapping data warehouse and multiprocessor architecture, having three stages, shared memory architecture, shared disk architecture and shared nothing architecture. So, if we talk about some important technique related to data warehouse, first we introduce enterprise data warehouse. First we look the definition of enterprise data warehouse. It says it collects all information about subject, the spam of entire organization. जैसा कि आप figure में देख सकते हैं, यहाँ पे चार terminology use हुई है. पहला है data source, दूसरा है data storage, तीसरा है analysis और चौथा है visualization. Data source is nothing, but it is only a process to create a database. हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम किसी भी data को किस तरीके से बनाते हैं. हमने इस figure में SQL लिया है data को create करने के लिए. You can use also MySQL or Oracle for creating a database. अब अगर database create हो गया है तो उसको कहीं ना कहीं store करना पड़ेगा. तो हमारे पास कुछ specific तरीके होते हैं data को store कराने के लिए. हम क्या करते हैं, जो भी डेटा हमने बना रखा है उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर कराते हैं. हम डेटा को स्टोर करा इसलिए रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें उस डेटा से रिलेट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे क्या कर सकें, एज ए इनपुट लेकर के उसे प्रोसेस कर सकें, उसे यूज कर सकें. नाउ इफ डेटा हैज बिन स्टोर्ड, डेटा हैज बिन क्रिएटेड, देन द वर्क इज गोइंग ऑन टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा. हम डेटा को एनालाइज करेंगे और डेटा को एनालाइज अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि उस डेटा से हमें क्या चीज चाहिए. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो सकते हैं, किसी डिफरेंट डिफरेंट डेटा के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं रिट्रीवल, कि वो किस तरीके के प्रोसेस को रिट्रीव करता है. इफ वी कंप्लीट द एनालिसिस फेज वी आर गोइंग टू विजुलाइज दैट पर्टिकुलर डेटा. इट मीन्स कि हम उस डेटा को जो प्रोसेस हो चुका डेटा है उसको क्या करेंगे, हमें एज ए रिजल्ट जो है वो शो कराएंगे, उसको विजुलाइज कराएंगे. विजुलाइजेशन के कई तरीके हो सकते हैं. हम उसे ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे चार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसे टेबलर फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. फर्स्ट वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज सेज दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प द नॉलेज वर्कर लाइक एग्जीक्यूटिव मैनेजर एंड एनालिसिस मेक फास्टर एंड बेटर डिसीजन. इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक मोटिव है कि यहाँ पे जो हमारा टॉप अथॉरिटी है वो ये चाहता है कि हम प्रीवियस रिजल्ट को एज ए इनपुट लें, उससे कुछ डिसीजन हम क्रिएट करें और वो डिसीजन क्रिएट करने के बाद हम किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे निकलें ताकि जो भी हमारा पुराना आउटपुट रहा हो उससे हम क्या करें, किसी बेटर कंडीशन में हम उसको परफॉर्म कर सकें. जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया और उसमें कहा कि जैसे अपने कॉलेज का ही एक एग्जांपल है कि यूनाइटेड ग्रुप ने ये कहा कि हमें अपने बच्चों के रिजल्ट को क्या करना है और इम्प्रूव करना है. इसके लिए उसने जितने भी प्रीवियस रिजल्ट थे, जितने भी प्रीवियस टीचिंग मॉडल्स थे, जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स थी, उसको क्या किया, उसने एज ए इनपुट लिया, उसको एनालाइज किया, उसमें देखा कि कहाँ कहाँ कुछ कमियाँ आ रही हैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है टीचिंग को परफॉर्म करने के लिए. इस चीजों को उसने एज ए इनपुट लिया. इनपुट लेने के बाद उसने क्या कहा कि हम इसको एज ए इनपुट लेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे और इसमें क्या क्या और इन्हेंसमेंट हो सकते हैं उसको हम अप्लाई करेंगे. अप्लाई करने के बाद उसने एक फाइनल आउटपुट निकाला और वो आउटपुट क्या है, कुछ इस तरीके का है जिसमें हमने कहा कि उनका कुछ प्रोजेक्शन प्लान है कि जिस प्रीवियस इनपुट को उन्होंने एनालाइज किया उससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया कि इस प्लान को हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे. साथ साथ हम आउटपुट में ये भी देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी अगर उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो कितना सही होगा या कितना गलत होगा.
और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि एज एन आउटपुट रिजल्ट ऑफ प्लान, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी आउटपुट में रिजल्ट आ रहा है उसको हम फिर एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे प्रीवियस रिजल्ट से, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेड प्लान अभी था डिसीजन होने के बाद वो कितना जो है वो सुटेबल है आगे आने वाले समय। सो इफ यू टॉक अबाउट द डेटा मार्ट, सो डेटा मार्ट इज नथिंग, इट प्रोवाइड डेटा फॉर एनालाइज ऑन अ सेक्शन यूनिट डिपार्टमेंट और ऑपरेशन। अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर कॉलेज कि मान लीजिए कि UGI का जो मैनेजमेंट है उसने कहा कि हमें पूरे UGI में जितने भी अलग अलग कॉलेजेस हैं लाइक UIT, UCM, UCR, उन सारे बच्चों की हमें क्या करना है, एक डिटेल लिस्ट बनानी है। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट के लिस्ट को रिट्रीव किया, उनसे मंगाया, लेकिन मंगाने के बाद उनके पास जो डेटा वेयर हाउस में डेटा आया अलग अलग कॉलेज से डेटा रिसीव होने के बाद, उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको रिशफल किया और उसको अकॉर्डिंग टू ब्रांच लगा दिया। मान लीजिए UIT में चार तरीके के सेक्शन थे, CS था, EC था, EE था, मैकेनिकल था, ऐसे UCM में था, UCR में था। अलग अलग कॉलेजेस के डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने ओवरऑल डेटा को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि उसको बाइफरकेट किया अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस, कि अगर मान लीजिए CS ब्रांच का डेटा है तो उसमें UCR के बच्चे भी आएंगे, UCM के बच्चे भी आएंगे, UCR के भी बच्चे आएंगे, UIT के भी बच्चे आएंगे, ऐसे EE का है, मैकेनिकल का है, सिविल का है। तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट को डिपार्टमेंट वाइज क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। यही बाइफरकेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस इज कॉल्ड डेटा मार्ट, यानी किसी भी डेटा वेयर हाउस में सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक जगह इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, डेटा मार्ट कहलाता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका फायदा ये है कि मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज डेटा बना और उसको अगर हम वेयर हाउस में स्टोर करेंगे तो हमारे लिए उसको प्रोसेस करना क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्यों होगा, मान लीजिए किसी ने कहा कि एक्स नाम का कोई स्टूडेंट है जो कि CS ब्रांच का है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ CS ब्रांच के डेटा को ही क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, हमें पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस को एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी मूव टू डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। वी सीन इन दिस फिगर दैट डेटा वेयर हाउस इज हैविंग 3 टीयर्स लाइक बॉटम टीयर, मिडिल टीयर एंड टॉप टीयर। फर्स्टली हम ये कहें कि हम टीयर्स को लेयर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 टीयर आर्किटेक्चर इज नथिंग बट द 3 लेयर आर्किटेक्चर। और इसमें 2-3 पॉइंट पहले मैं आपको बता दूं कि बॉटम टीयर बेसिकली बैकएंड टूल्स की तरह काम करती है, इट रिलेट टू द बैकएंड पार्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक बैकएंड तैयार करते हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मिडिल टीयर का काम होता है उस टूल्स को प्रोवाइड कराना जिस टूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और टॉप टीयर बेसिकली डील्स विद द फ्रंट एंड पार्ट, हम उसमें जो भी रिजल्ट हमारा प्रोसेस होने के बाद आता है उसको हम क्या करते हैं, शो कराते हैं। इसको हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम भी बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्यों बोलते हैं हम आगे भी देखेंगे, पहले इस फिगर को देखते हैं। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा है, वो डेटा एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू भी हमें मिल सकते हैं, उस ऑपरेशनल डेटाबेस के थ्रू भी मिल सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशनल डेटा हो सकता है, दो टर्म आया, ऑपरेशनल डेटाबेस और इंफॉर्मेशनल डेटाबेस। इन दोनों में अंतर ये है कि ऑपरेशनल डेटाबेस जो होता है वो हमारा डे टू डे क्या होता है, मॉडिफाई होता रहता है, डे टू डे वो मेंटेन होता रहता है। बट अगर हम इंफॉर्मेशनल डेटा या एक्सटर्नल सोर्सेज से रिट्रीव हुए जो डेटा की बात करें तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि वो डे टू डे मेंटेन हो, वो डे टू डे उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास डेटा आ गया, ऑपरेशनल डेटाबेस आ गया, एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा आ गया, हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें 5 तरीके के फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं। वो फंक्शन कौन कौन से हैं, पहला है एक्सट्रैक्ट, यानी हम उस पर्टिकुलर डेटा जो हमारा पास है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें जो भी रिडंडेंसीज होंगी, जो भी कुछ नॉइज से रिलेटेड इश्यूज होंगे उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। जब ये दोनों फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे उस डेटा पे तो हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो डेटा कहाँ जाके कहीं ना कहीं लोड होगा और उसको क्या करेंगे, फाइनली हम एक फंक्शन अप्लाई करके
रिफ्रेश कर देंगे। ये डेटा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास गया एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, यहाँ से जो भी डेटा रिट्रीव हुआ है उसको ग्रुपिंग करे विथ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि वो डेटा मार्ट का काम है, यानी डेटा मार्ट इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सेम तरीके के डेटा को क्या करता है, ग्रुप कर देता है किसी पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस के लिए। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रहा है कि जो भी डेटा यहाँ से रिसीव हो रहा है उसको डिपार्टमेंट वाइज या फिर सोर्सेस के अकॉर्डिंग या फिर उसके सिमिलर काइंड के अकॉर्डिंग उसको डेटा मार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और उस सारे के सारे डेटा मार्ट को एक डेटा वेयर हाउस में इकट्ठा कर दे रहा है, और उस सारी चीजों की क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। और वो कर कौन रहा है, वो हमारा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होने के बाद वो क्या करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है। आगे फॉरवर्ड होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, ओलैप सर्वर। ओलैप स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल में कि ओलैप क्या होता है। ओलैप सर्वर का काम ये होता है कि जो डेटा हमारे पास यहाँ से रिट्रीव होकर के आया है, फिल्टर होकर के आया है, उसमें कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। यानी ओलैप टूल ये काम करता है कि जो भी डेटा हमारे पास है डेटा वेयर हाउस में, उसको वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। ओलैप के और भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है आर ओलैप, एक होता है एम ओलैप। आर ओलैप स्टैंड फॉर रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और एम ओलैप का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। जब भी कोई डेटा वेयर हाउस अगर उसके पास आया ओलैप टूल के पास और उसने उसको एनालाइज किया, तो वो ये भी साथ साथ देखता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसिस है डेटा वेयर हाउस में, उनके आपस में क्या रिलेशन हो सकते हैं, और अगर डेटा वेयर हाउस में डेटा बहुत ज्यादा है, यानी डेटा वेयर हाउस काफी बड़ा है, तो उसको हम किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यानी ओलैप ना तो सिर्फ एनालाइज करता है, इंस्टेड ऑफ वो ये भी देखता है कि उन डेटाबेस के बीच में रिलेशन किस तरीके का है, और अगर वो डेटा वेयर हाउस बहुत बड़ा है तो उनके बीच में हम किस तरीके से उसको मल्टी डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओलैप टूल जो है, ओलैप सर्वर जो है, वो उस पर्टिकुलर डेटा को क्या करता है, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसने एक आउटपुट जनरेट किया। अब आउटपुट जनरेट होने के बाद अब ये बात आई कि उस आउटपुट को हम क्लाइंट साइड पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेरी रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, कुछ एनालिसिस लिखा हुआ है, उस डेटा माइनिंग। ये सारे के सारे जो मेथड हैं वो डेटा को क्या करते हैं, एज एन आउटपुट शो कराते हैं। हम उसे क्वेरी या रिपोर्ट, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं रोज एंड कॉलम्स की फिगर बनी हुई है ये वाली, यानी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिगर आप देख रहे होंगे कुछ बार चार्ट या हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा, यानी हम उस पर्टिकुलर आउटपुट को ग्राफिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बार चार्ट या हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग एनालाइज करने के बाद, या तो फिर हम उसको माइंड फॉर्म में, डेटा माइनिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा फ्रंट एंड का, यानी टॉप टियर आर्किटेक्चर का। हियर वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड। जनरली अ डेटा वेयर हाउस फॉर थ्री टीयर आर्किटेक्चर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर, वॉट इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर, इट इज अ टॉप ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विच इज कम्पोज ऑफ थ्री टीयर और लेयर ऑफ लॉजिकल कंप्यूटिंग। इट इज यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, और इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर बिजनेस लॉजिस्टिक में देखने को आपको मिलता है, यानी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अप्लाई होती है। बड़े लेवल पे, बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने बॉटम टीयर के बारे में आपको बताया कि वो एज ए बैकएंड टूल काम करती है, मिडिल टीयर में हम क्या करते हैं कुछ टूल्स के द्वारा प्रोसेस करते हैं उस डेटा वेयर हाउस को, और टॉप टीयर में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको फ्रंट एंड के रूप में कर देते हैं, यानी हम आउटपुट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज द बैकएंड टूल एज एंड यूटिलिटी टू फीड डेटा इनटू अ बॉटम लेयर। द टूल परफॉर्म द एक्सैक्ट क्लीन लोड एंड रिफ्रेश फंक्शन। हमने आपको बताया था कि जो भी डेटा हमें मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस के द्वारा एक्सैक्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, लोड और रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद वो जाता है मिडिल टीयर में, जहाँ पे ओलैप सर्वर के थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रोसेस इंप्लीमेंट कराते हैं, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारा रिलेशन कैसे शो हो रहा है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में,
और अगर वो डेटाबेस बहुत बड़ा है तो उसको मल्टी डायमेंशनल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. After performing all these tiers, bottom tier, middle tier, we use top tier, which is the part of front end. और हम उस front end part में देखते हैं कि this layer is the front end client layer. It holds the query tool and reporting tool. यहाँ पे हम tool के through क्या कर सकते हैं? उस data को finally result out कर सकते हैं. Okay. Now this is the last topic of today's lecture. We are going to see the mapping data warehouse to a multiprocessor architecture. Here is the definition of that particular topic. Linear performance and scalability can perform by parallel hardware architecture. Parallel hardware architecture are based on multiprocessor system design. As we can see here, the first is shared memory architecture. मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी या फिर यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो सारी की सारी आर्किटेक्चर में कॉमन दिखाई पड़ेंगी आपको. आप उनके बीच में ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें थी वो आगे भी यूज हो जाएंगी, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कॉमन रहेंगी. सो वी मूव टू शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर. हियर वी कैन सी दैट मल्टीपल प्रोसेसर शेयर मेन मेमोरी एंड आर्किटेक्चर. यानी अब आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखिए तो हियर PU स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग यूनिट. ये अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो कि एक कॉमन ग्लोबल शेयर मेमोरी को क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं. यानी जो भी मेमोरी यहाँ है वो सभी के सभी प्रोसेसिंग यूनिट सभी के सभी यूनिट के लिए क्या है, कॉमन है. और इनके बीच में जो प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो इस शेयर्ड मेमोरी में मैसेज पासिंग के थ्रू होगा. ये सारी की सारी प्रोसेसिंग यूनिट आपस में एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्टेड है और जो भी कम्युनिकेशन ये आपस में कर रही हैं वो किसके थ्रू कर रही हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल शेयर मेमोरी. यानी मेमोरी एक कॉमन है और उस कॉमन मेमोरी को ये क्या करें, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो शेयर कर रही हैं. यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि मान लीजिए कि दो तरीके के ऑपरेशन है. पहला ऑपरेशन है रीड ऑपरेशन और दूसरा है राइट ऑपरेशन. अगर सभी प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तब तो ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. बट अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो साइमल्टेनियसली हो, एक साथ ना हो करके, साइमल्टेनियसली ना हो करके वो क्या होगा, वो वन बाय वन होगा. यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, वो राइट ऑपरेशन में एक प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. यानी इसके अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ग्लोबल शेयर मेमोरी में. इसको ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर. आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि हर प्रोसेसिंग यूनिट आपस में इंटरकनेक्शन नेटवर्क से कनेक्टेड है और यहाँ पे सभी ग्लोबल शेयर डिस्क सब सिस्टम को जो है क्या कर रही है, शेयर कर रही है. लेकिन किसके थ्रू कर रही है, अपनी अपनी लोकल मेमोरी के थ्रू कर रही है. वो हो कैसे रहा है, यहाँ पे एक टर्म आता है DLM, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर. सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो ये ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अपीयर करते हैं किसमें, जिसको हम यूज कर सकते हैं एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम के थ्रू. यानी एक कई सारे सिस्टम होते हैं जो एज ए कोहरेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं जिसको. और उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर का ये काम होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी चीज को लोकल डिस्क में शेयर कर रही है मान लीजिए, तो उसको क्या करेगी, वो एक टाइम स्लॉट दे देगी. यानी किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कोई प्रोसेसिंग यूनिट अगर जो है किसी डिस्क को जो है वो अपने आप यूज कर रही है, अपने लोकल मेमोरी के थ्रू अगर उसको एक्सेस कर रही है, तो वो दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करेगी, वेटिंग कंडीशन में डाल देगी. और वो तब तक वेटिंग कंडीशन में डाली रहेगी जब तक पहली यूनिट का क्या होगा, पहली यूनिट का काम खत्म नहीं हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर का एक काम और भी होता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर या पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर कह सकते हैं. पार्शली इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम पिछले शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में आ रही थी, कौन सी,
वो आ रही थी कि हम जो जब मेमोरी को शेयर करते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है। उससे ओवरकम पाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैनेजर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या काम करता है कि हर प्रोसेसिंग यूनिट को टाइम स्लॉट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी लोकल मेमोरी का यूज़ करके किसी डिस्क को क्या करे, शेयर करे, और शेयर करने के बाद क्या करे, दूसरी की प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको वेटिंग कंडीशन में डाल दे। यानी जब तक पहली प्रोसेसिंग यूनिट का काम नहीं हो जाएगा तब तक दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट का काम शुरू नहीं होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट शेयर नथिंग आर्किटेक्चर, वी कैन सी ईच प्रोसेसर यूनिट हैज इट्स ओन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर प्रोसेसिंग यूनिट के पास अपनी एक लोकल मेमोरी है ना, उनका कोई शेयर्ड मेमोरी है, उनके बीच में ऐसी कोई कॉमन मेमोरी नहीं है जिसको वो आपस में शेयर कर सकें, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कोई ऐसी कॉमन डिस्क नहीं है जिसको वो शेयर कर सकें। यहाँ पे हर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, अपनी लोकल मेमोरी का यूज करेगा किसको, डेटा को फेच करने के लिए। और ये रिक्वेस्ट, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ऐसे होगा कि पहली प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो वो दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोल भेजेगी, एक रिक्वेस्ट भेजेगी। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या भेजेगी, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगी। ये प्रोसेसिंग यूनिट इसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगी, कंसिडर करेगी, और इसको क्या भेजेगी, रिप्लाई भेजेगी कि ये कब जो है इससे कम्युनिकेट कर सके। यानी इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ना तो पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो ना तो कोई कॉमनली शेयर्ड मेमोरी मेमोरी को शेयर कर रही है, ना ही किसी कॉमनली डिस्क को शेयर कर रही है, बल्कि यहाँ आपस में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट जनरेशन और रिस्पॉन्स जनरेशन के थ्रू हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। I hope you all are understand this topic very well. If you have any doubt, so please feel free to contact me on my WhatsApp number. Here I am mentioning my WhatsApp number, or you can mail me on rohitmishra.academy@gmail.com. Please मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।